अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग तशा के साथ जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि हम लोग किधर हैं और तशा को इस वक्त लेके क्यों जा रहे हैं। तशा बिल्ली, तशा बिल्ली, मनो जुलम वाले गल तो हो ना, किसी ने कहा कि ना इतने फैसला टोन किसी के घर भी लै काला, तो उन्हें कहा तुम ना इधर छड़ जाओ, तो फैसल असं उधर टोन जाना फैसल सी। छोड़ने जा रहे हैं। फैसल टोन जाना सी, बिलन छड़न वास्ते तो उन्होंने फोन आ रहा है, मैं पहले उन्होंने कर लो। आप सुनाए, क्या हाल? ठीक ठाक, आप बताए? ठीक है जी। आज ये जी हमारी ताशा पागल। हाँ जी, एक और यूट्यूब का रिश्ता है। अल्लाह करे, मैंने कहा एक और यूट्यूब का रिश्ता है। हाँ लड़की आ गया। किधर है जेली आपकी? किधर है जेली? जेली इधर सो रही है, देखिए आप। जेली का वो उस वक्त ये कह अम्मी जी, स्वीटी जी और उनकी अम्मी बैठ के बातें कर रहे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ हमारा। ताशा और बेला एक दूसरे के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को देख रही हैं। बिल्कुल मांगे हुए हैं तो तुम ना इस तरह की बातें। मलिहा बहुत अच्छी बच्ची है और उसकी शरारतें बड़ी अच्छी लग रही थी, माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्ची है। अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए और इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। वो आप सबको पता है लड़की क्या होगा। और थैंक यू सो मच आंटी, आपका इतनी दूर से तो नहीं, बहुत पास से नहीं, मैं तो खुद है ना पास रहते हैं, करीब करीब। हाँ मैं खुद ही कल एक थोड़ा सा। स्वीटी जी अपना व्लॉग बना रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा उनका जो व्लॉग बनाने का स्टाइल उनको अपने मोबाइल में थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। ये करता है तो खुशी के लिए करता है। बिल्कुल जी, तोड़ने के लिए तो नहीं करता ना। इस तरह मसले हो जाते हैं ना, फिर बहुत अफसोस होता है। अफसोस होता है कि इस तरह क्यों हमारे साथ हुआ है, जबकि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब रिश्ते बंदा जोड़ता है तो उसको तोड़ने के लिए नहीं जोड़ता। नहीं जोड़ता। मुझे अफसोस हो रहा था कि आप लोगों की ये इतनी जो है ना प्रॉब्लम बनी है, तो मैंने कहा कि मैं पता करती हूँ कि क्यों इस तरह हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे लग रहा है? अच्छा नहीं ना, फर्स्ट टाइम ऐसे पहले बाइक का किया है तो मतलब लेकिन पूरे हम बने हैं, पूरे हम बन गए हैं। वो लोग कहते हैं कि नंदे बुरी, दूर से बैठ के बुरी। हर एक इंसान को देखने का और उसको जानने का हर एक का अपना तरीका होता है, लेकिन हम किसी को भी इस तरीके से एकदम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। अच्छाई या बुराई हमारी अपनी नज़र में है। अगर हम लोग किसी को देखेंगे हम अच्छे हैं तो दूसरे अच्छे हैं, अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमें दूसरों में भी बुराई नज़र आएगी। है मेरे घर नहीं आई, ये अपने घरों वाली है तो वो इतनी दूर बैठी। ये तो बात नहीं होती ना कि मतलब बेटियां आना ही छोड़ दे, नंदों को छोड़ दे बेटियों को, जब तुम घर में नहीं आई, नहीं आई तो पहले ही बंदा कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये तो बात नहीं बनती ना करनी। हाँ, अगर जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उनके घर में बेटियां नहीं है, अगर उनकी बेटी बहुएं उनकी बेटियों को कहें कि निकल जाओ इस घर में ना आना, क्या वो माँ बाप या वो भाई या वो बहनें बर्दाश्त करेंगी चीज को? जब जितनी देर तक माँ होती है ना, जी उस घर में आना तो, पड़ता है वो तो कभी भी ऐसे नहीं, कोई नहीं रोक सकता उस रिश्ते को। जी कभी अगर भाई कहते भी है ना, मैं खुद अपनी बेटियों को बोलती, मैं कहती हूँ कि जितनी देर तक मैं हूँ ना जी, मेरी बेटियों को कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जब भाभियों में होगी बात हो सकता है, बंदा अपनी फैमिली में मसरूफ हो जाता है तो फिर वो चीज नहीं रह जाती, नहीं रह जाती, इसलिए फिर बेटियां खुद बहुत ही पीछे हो जाती हैं, कि वो फिर एक रिश्तेदारी वाला हिसाब हो जाता है भाइयों के साथ। वैसे मुझे लगता है कि वो घर पे आती, घर का चाल चलन देखती, फिर फाइट करती हमारे साथ, फिर बात चीत चलती। आप में से फर्स्ट टाइम ही नहीं है? हाँ जी, आपसे तो क्या लगता है मिलने के बाद? टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि हर बंदे के जो है ना अपने अपने हर बंदे के साथ रिलेशन होता है, तो हमारा तो आपस में कोई भी किसी किस्म की एक दूसरे के साथ किसी किस्म का लालच या मतलब तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक
अच्छे इंसान। उस दिन भी इनसे मैं मिली थी ना, मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा ऐसे जैसे एक रूहानी सा नहीं किसी इंसान के साथ रिलेशन होता, मुझे मैंने कहा वैसी फीलिंग आ रही है आपको। बुरा कर ये होता है कि जो बंदा खुद दिल साफ होता है ना, हाँ, तो वो दूसरे के लिए भी फिर उसका भी दिल ऐसे ही होता है। हाँ, अभी मैं बैठी आप बात कर रही थी ना, मेरे इतने ये गूज़बम्प्स खड़े हो रहे थे। वो बात आप उससे रिलेटेड थी ना, इसलिए आपको लगा। हाँ जी, कि वो उस चीज में भी ये होता है कि अच्छा इतनी सारी चीज हुई है तो अल्लाह पाक कुछ मेरे साथ भी करेगा। वो एक स्वीटी जी के घर पे उनके भाई के साथ क्या मसले मसाइल चल रहे थे, वो और अम्मी ने मिल के उनके ऊपर उन लोगों ने डिस्कशन की और स्वीटी जी ने उनको बताया कि किस तरीके से गलत फहमियाँ जो है बढ़ी और जो कुछ भी किया कराया, उन रिश्ता बनाने में मैं ही साथ थी लेकिन अब जो है मैं ही बुरी बन रही हूँ उस सारे में। मेरे ही रेफरेंस से वो लोग भाई से मिले और अब वो लोग मुझे ही बुरा कह रहे हैं। तो यही सारी बातें वो अम्मी के साथ डिस्कस कर रही थी कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है, क्या वजह है कि जो अब वो लोग मुझे ऐसे बुरा भला बोल रहे हैं। कमेंट करके 10 कमेंट करती थी, 10 में से एक का जब रिप्लाई करना ना, अब आपके मुंह पे कोई आके थूक कर आए, हम क्या कहें थूकते जाओ। 10 कमेंट के बाद जब एक का रिप्लाई करना, उसी टाइम पता था कि अभी हमारा भाई हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा। उसी टाइम मोहसिन स्क्रीनशॉट भेज के कहता था बस कर दो मेरा घर ना खराब करो लोगों। सारी सिचुएशन में जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह ताला बस रहम करे हर एक के हाल पर और कभी भी किसी के घरों में ऐसी आग ना लगे जैसी कि इनके घर में लगी हुई है और ये लोग उस परेशानी से गुज़र रहे हैं दोनों घर ही। हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह ताला इन दोनों के दिलो दिमाग जो है वो साफ़ करें और इन दोनों घरानों की जो है गलतफहमियां दूर हों और अगर कोई मुफाहमत का रास्ता है तो ये लोग आपस में मिल सकें। अल्लाह पाक सबके वालदान को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको अपने बच्चों के सर पर सलामत रखे और बहन भाइयों में जो एक प्यार मोहब्बत होता है वो अल्लाह ताला बनाए रखे। हमारी तो अल्लाह पाक से दुआ ही है कि वो अपने बंदों के दिल भी नरम करे और दूसरों को मुश्किलों में डालने से हमें बचाए, दूसरों की ज़िंदगियों को आसान करने की जो हमें तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जो लोग दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करते हैं अल्लाह पाक उन लोगों की ज़िंदगियां आसान कर देता है, तो अल्लाह हमें उन लोगों में से करे कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को आसान करें। हमें नहीं पता था कि घर में बच्चे भी हैं, उनके लिए हम लोग कुछ स्वीट वगैरह ले जाते, तो फिर मामा ने अपनी खुशी से बच्चों को उनकी स्वीट के लिए पैसे दिए। उनकी मामा लोग मना कर रहे थे लेकिन मामा ने फिर भी अपनी खुशी के लिए उन खुश हो रहे। उसको तो रिएक्शन देखने वाला था, उसने कैसे पैसे पकड़े हैं। नहीं दर्श उमा कर क्या नहीं कुछ चीज नहीं ली, बस मैंने कहा पता नहीं अभी काट देता है कि नहीं। जॉब अप कर क्या, थैंक यू कर क्या, जल्दी जाओ दोनों पप करो, आप ही मोहम्मद आओ पप करो, थैंक यू करो। उसको देख के कॉपी करते हैं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी बच्चे से मिलना करवा। हाँ जी, तो ताशा को हम लोग अब यहीं छोड़ कर जाएंगे और वो बेला के साथ टाइम गुजारेगी, तो फिर हम इंशाल्लाह हम उसको लेके जाएंगे। हाँ जी, तो सबसे बेटी के घर से निकल के अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। मामा ने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज पढ़ रही है, तो इसी के साथ ही हम लोग करते हैं अल्लाह हाफिज़ पीएम एंड अल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।